हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ममास किचन में। आज मैं फिर से विंटर स्पेशल रेसिपी लाई हूँ, डिंक लाडू यानी कि गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम स्वास्थ्यवर्धक ये डिंक लाडू बनाना बहुत ही आसान है। इस गोंद के लड्डू को मैंने गुड़ से बनाया है, ऑर्गेनिक गुड़ से बनाया है, शक्कर का बिल्कुल उपयोग नहीं किया है। तो अगर आपको शुगर है तो आप बिना टेंशन इसे खा सकते हो, और किसी भी तरह के मैंने आटे का उपयोग भी नहीं किया है तो उपवास में भी आप इसे खा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि लड्डू बनते बनते गोंद का चिवड़ा बन जाता है, यानी कि आधे लड्डू बनते हैं आधे गोंद का तो चिवड़ा जैसे बन जाता है। तो आज मैं आपको ये सारी टिप और ट्रिक सिखाने वाली हूँ कि आपके लड्डू एंड तक अच्छे बनेंगे, प्रॉपर बनेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में रहे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम हेल्दी स्वादिष्ट गोंद के लड्डू। तो चलिए लड्डू बनाने की सामग्री देखते हैं। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम जितना सूखा नारियल किसा हुआ लिया है, घर पे ही किसा है। 150 ग्राम जितनी मैंने यहाँ पर खारे के लिए सूखी उसका मैंने पाउडर कर लिया है मिक्सर के जार में। साथ में मैंने 100 ग्राम जितना गोंद लिया है, और मेजरिंग में ये आधा कप जितना गोंद है। गोंद को मैं साबुत ही यूज़ करूँगी, आप चाहे तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। 150 ग्राम जितना यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, मेजरिंग कप में ये 1 कप जितना गुड़ है। साथ में आधा कप जितनी मैंने बादाम चॉप करके ली है बारीक वाली, और आधा कप जितना मैंने यहाँ पर काजू को भी बारीक चॉप कर लिया है। 1/4 कप मैंने यहाँ पर अखरोट को भी बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो सारी चीज़ों को मिक्सर में डालकर पाउडर भी कर सकते हो। 20 से 25 मैंने यहाँ पर किशमिश ली है, खसखस ली है 1 टेबल स्पून जितनी। साथ में फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने इलायची और जायफल को चीनी के साथ मिक्सचर में पीस लिया है। 10 से 12 इलायची ली थी और 1 टुकड़ा छोटा जायफल का लिया था। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जितना घी लिया है, गाय का घी है, आप किसी भी घी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक पैन लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून जितने हम लोग घी ऐड करेंगे। अब सारे चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चॉप किए हैं, आप चाहे तो बारीक पाउडर भी कर सकते हो मिक्सर के जार में। साथ में खसखस भी ऐड कर लेंगे, किशमिश को भी साथ में ही ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ को हम लोग 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़्यादा उसको रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए और वो अच्छे से क्रंची हो जाए तब तक ही उसे भूनना है। देखिए उसका कलर भी चेंज हो चुका है और एकदम क्रंची भी हो चुके हैं। तो उसको अलग निकालेंगे और उसी पैन में हम लोग सूखे कोपरे को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हल्का सा उसको ड्राई रोस्ट करना है और उसकी खुशबू आने तक ही उसको ड्राई रोस्ट करना है। ज़्यादा उसका कलर चेंज ना हो जाए, नहीं तो उसकी जो टेस्ट है कोपरे का वो चेंज हो जाएगा। धीमी आंच पे उसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए उसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें उसको रोस्ट नहीं करना है। तब इसे भी हम लोग साइड पर निकाल लेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी है, तो उसी पैन में हम लोग आधा घी ऐड करेंगे। घी को अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पर हम लोग इस घी में गोंद को फ्राई करने वाले हैं, इसलिए घी अच्छे से गरम करें। घी अच्छे से गरम होने के बाद थोड़ा थोड़ा गोंद ऐड करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। गोंद को अच्छी तरह से फ्राई करना है, बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए, और धीमी आंच पे ही हमें गोंद को फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे हमें गोंद को फ्राई नहीं करना है। अच्छे से डबल साइज़ में होने तक उसको फ्राई करेंगे और उसको निकालेंगे। देखिए डबल साइज़ का हो गया है तो उसको निकाल लेंगे। उसी तरह हम लोग सारा गोंद ऐड करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। गोंद को फ्राई करने के समय पे गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, बहुत ही धीरज रख के गोंद को हमें फ्राई करना है। अगर गोंद को अच्छी तरह से फ्राई नहीं करेंगे तो गोंद जो है वो दांतों में चिपकेगा खाने के समय पे, तो इसलिए हमें अच्छे से उसको फ्राई करना है। बहुत ही धीमी आंच पे हमें उसको फ्राई करेंगे। तो चलिए इसी तरह मैं सारे गोंद को फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैं साबुत गोंद ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे साबुत गोंद बहुत ही अच्छे लगते हैं लड्डू में। आप चाहे तो फ्राई करके उसको पाउडर भी बनाकर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बाकी का घी भी मैं ऐड कर दूंगी, और घी तो वैसे ही गर्म है, थोड़ा सा ये और पिघल जाने के बाद उसमें गुड़ भी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर गुड़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब गुड़ ऐड करने के बाद आपको खास ध्यान रखना है
यहाँ पर मेरी एक इम्पोर्टेंट टिप है कि गुड़ को हमें सिर्फ पिघलाना है, उसकी पाई नहीं करनी है, उसकी चाशनी नहीं बनानी है। यहाँ पर कई लोग उसको ज़्यादा उबाल लेते हैं या चाशनी बना लेते हैं, इसलिए आपका जो गुड़ के गोंद के लड्डू है वो बन नहीं पाते हैं, वो बिखर जाते हैं। तो ये स्टेज पे आपको ख़ास ध्यान रखना है, गुड़ को सिर्फ पिघलाना है। आप देख सकते हो गुड़ अच्छे से पिघल चुका है, बिल्कुल उसमें लम्स भी नहीं है। ये देखिए एकदम परफेक्ट वो पिघल चुका है। अब उसमें बबल आने तक उसको गर्म नहीं करना है, अगर बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो गुड़ की चाशनी बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसी स्टेज पे हमें सारी चीज़ें मिलानी है। यहाँ पर मैं सबसे पहले खारेक का पाउडर ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने घर पे बनाया है, आप चाहे तो बाज़ार में जो रेडीमेड मिलता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। अब सारी जो रोस्ट की हुई चीज़ें थी, ड्राई फ्रूट्स और खोपरा, उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर ख़ास ध्यान रखना है, आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। अब गोंद भी ऐड कर देंगे, गोंद यहाँ पर मैंने साबुत ऐड किया है, आप चाहे तो पाउडर करके भी ऐड कर सकते हो। देखिए मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है, गैस की फ्लेम बंद करके ही ये सारी चीज़ें मिलानी है। इलायची का पाउडर भी मैं ऐड कर दूंगी, इलायची और जायफल का पाउडर मैंने किया था, बहुत ही अच्छी खुशबू देती है। अब सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स कई लोग गोंद को पीस के भी यूज़ कर सकते हैं, उसका शेप बहुत ही अच्छा आता है लड्डू का। यहाँ पर मैंने बिना पीसे ही उसको ऐड किया है, मुझे साबुत गोंद बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मुँह में आते हैं ना साबुत गोंद फ्राई किया हुआ, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब उसमें ऐड करूँगी एक टेबल स्पून जितना सूंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी सामग्री को भी फटाफट मिक्स करना है, बिल्कुल ही समय वेस्ट नहीं करना है, और हल्का सा गर्म हो तभी उसके लड्डू बनाने हैं, बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है। हल्का सा गर्म हो तभी आपको उसके लड्डू बना लेने हैं। अगर आप चाहें तो दो तीन जन घर में हो तो उसको भी साथ में ले ले, आपके लड्डू फटाफट बन जाएंगे। ये देखिए लड्डू बनने में बिल्कुल समय भी नहीं लगता, अच्छे से बाइंड भी हो रहा है, तो हमारा ये लड्डू का मिक्सचर एकदम परफेक्ट है। अगर मिक्सचर थोड़ा सा आपको गर्म लगे तो आप हाथों पे घी लगा सकते हो या पानी वाले हाथ भी कर सकते हो। देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, तो तैयार है हमारे महाराष्ट्रियन स्टाइल डिंक लड्डू यानी कि गोंद के लड्डू। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक लड्डू। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करना भूलना नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना नहीं, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सारी रेसिपी को गुजराती में देखना चाहते हो तो मेरी मामाज किचन गुजराती को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको सारी रेसिपी गुजराती लैंग्वेज में सीखने को मिलेगी। और मेरी सारी नई नई रेसिपी की अपडेट्स मेरे फेसबुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम पर भी आती है, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट ये लड्डू बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक हैप्पी कुकिंग फ्रॉम ममाज़ किचन।